हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब लेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट रहेंगी और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेंगी हैं। सबसे यहाँ पहले हम बात कर लें इसमें पोस्ट और वैकेंसीज कौन कौन सी रहेगी। इसमें सबसे पहले बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसमें शेड्यूल दिया गया है। इसमें सबसे पहले पोस्ट रहेगी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिकल सब इन सब कार्ड इन सेंट्रल हेल्थ सर्विस की इसमें पोस्ट रहेगी। इसमें जो 314 इसमें वैकेंसीज रहेंगी। कैटेगरी टू में बात करें यहाँ पर असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवे में इसमें तो इन 300 वैकेंसीज दी गई हैं। और दूसरे नंबर पे बात करें यहाँ पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का, यहाँ पर इसमें 3 वैकेंसीज रहेंगी। तीसरे नंबर पर बात करें यहाँ पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GR2 इन ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसमें टोटल इसमें 70 वैकेंसीज रहेंगी। इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, एज लिमिट क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। लास्ट तक बने रहें, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हाउ टू अप्लाई की बात करें, आपका ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी upsconline.nic.in पे जाकर अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हो तो इसको ज़रूर रीड करें। आगे हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की, जो यहाँ पर इसमें 26 अप्रैल 2022 से फॉर्म लगना शुरू होंगे और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 4 मई 2022 से लेके 10 मई 2022 टिल 6 PM का यहाँ पर प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी MBBS आपके पास होनी चाहिए। फाइनल MBBS एग्जामिनेशन का यहाँ पर प्रोसीजर इसका दिया गया है। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर इसमें आप 32 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो एज का रिलैक्सेशन रहेगा आप इन मैक्सिमम 5 ईयर कैंडिडेट इन शेड्यूल कास्ट वालों के लिए रहेगा। अप टू मैक्सिमम यहाँ पर 3 ईयर जो रहेगा कैंडिडेट बिलोंगिंग अदर बैकवर्ड के रहे हैं जो उनके लिए 3 ईयर का रहेगा प्रोसीजर। अप टू मैक्सिमम की बात करें यहाँ पर कोई डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल है तो वो इसके लिए 3 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा। यहाँ पर अप टू मैक्सिमम 5 ईयर का जो एक्स सर्विस मैन होंगे, अप टू मैक्सिमम 5 ईयर का जो रहेगा 5 ईयर का मिलिट्री सर्विस आपने अगर करी हुई तो उसमें आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी रहेगा। इसमें एग्ज़ाम की सेंटर की बात करें यहाँ पर सभी स्टेटों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इसमें कब कहाँ कहाँ सेंटर होंगे वहाँ सारा पूरी डिटेल इसके दी गई है। यहाँ पर जम्मू की बात करें, जम्मू का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हो सेकंड रो में 4th नंबर पे जम्मू का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। सारे इसमें प्रोसीजर इसका दिया गया है। क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बताई है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप अप्लाई भी कर सकते हो। यही थी हमारी आज की अपडेट, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन आप जरूर रीड करें, आपका जो भी डाउट वगैरह होगा तो आप उसमें क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।